अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गोरखपुरी के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति पर चर्चा हुई। संदीप कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बैठक में सुरेंद्र कुमार, दीपक भारती, डॉक्टर हरीशचंद्र, रामेश्वर एडवोकेट अजय कुमार पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गोरखपुरी ने कहा, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बिताने की कोशिश हम लोग करेंगे। हम सभी ब्लॉक अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से इसको दे दी जा रही है ताकि वो अपने ब्लॉकों में काम अपने जोरदार रूप में करें। और निर्मल प्रभारी भी आने वाले हैं, जिला अध्यक्ष ये हर ब्लॉकों में हर बूथों पर ये जोरदार के साथ अपना मेहनत करते हुए अपने प्रत्याशी को बिताने की कोशिश करें। इसी के साथ में आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रधानकारी के समितियों को सबको अपने तरफ से बधाई देते हैं। मैं विजय चौधरी, मैं जिला प्रभारी हूँ, प्रदेश महासचिव भी हूँ। उसके बावजूद मैं जिले के पूरे कार्यक्रम को देखना चाहता हूँ कि हमारे लोगों की तादाद बिल्कुल ब्लॉक लोगों का और एक प्रदेश में एक आइडेंटिटी बने, देश में एक आइडेंटिटी बने। संदीप गोरखपुरी, जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। ये नगर निगम पार्क, लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी जनपद गोरखपुर की ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है और सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुछ और भी पदाधिकारी जो छूट गए हैं उनको अगली बैठक में दिया जाएगा। हम लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम चाहते हैं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और माननीय राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां अभी देखिए, गठबंधन का भी कुछ मामला, तमाम दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमारे मुखिया से गठबंधन के लिए अग्रसर हैं और गठबंधन अगर होता है तो शीर्ष उस पर नेतृत्व विचार करेगा। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे।